वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक से पहले हम जेहलम डिस्कस कर रहे थे, जेहलम में काउंसलर ने टॉर्चर किया है एक अपने ही वोटर को, उसी एरिया के रेजिडेंट को टॉर्चर किया और उसके बाद दोबारा थ्रेटन भी किया। अब जरा जेहलम से रुख करते हैं कसूर का, और यहाँ पर स्टोरी इंटायरली डिफरेंट है। अगर एक तरफ काउंसलर टॉर्चर करता है और सरगोधा में पीर साहब अपने ही मुरीदैन का कत्ल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारा फैमिली मैटर निकल रहा है कि हस्बैंड एक शौहर अपनी बीवी और बच्चे का गला काट देता है, उनको कत्ल करने की कोशिश करता है और उसके बाद खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश करता है। तीनों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। हमारे रिपोर्टर एसएम शहजाद कसूर से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो उनसे डिटेल जान लेते हैं। एसएम शहजाद साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा तीनों पेशेंट्स की, तीनों मरीजों की अब हालत कैसी है? जी बिल्कुल राय साहब, अब तीनों जो पेशेंट है वो उनको जो रेस्क्यू रेस्क्यू ने फौरन जो है लाहौर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। ये मैं आपको बताता चलूं कि थाना ए डिवीजन की हदूद है, पुराना लारी अड्डा के पास इनका घर है। बशीर अहमद नामी शख्स है, इसने अपनी जो 50 साल से ज्यादा उम्र की बीवी और जवान सल्ला बेटी की को तेजर आले के साथ उसकी गर्दन काट दी और बाद अजा उसने अपना गला भी तेजर आले के साथ काट लिया। और फौरी जो है नाका मकीनों ने 1122 पे कॉल की और इनको रेस्क्यू किया गया और इनको फौरन जो है लाहौर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि इन तीनों की हालत जो है वो तश्वीशनाक है, और जो पुलिस जो मुकामी पुलिस है उन्होंने मौका पर पहुंच कर फौरी जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी पुलिस से जब बात हुई है तो पुलिस ने कहा ऐसे इसमें क्या कार्रवाई करेगी, इसमें पुलिस बेचारी क्या कार्रवाई करेगी, इसमें स्टेट मुद्दई तो बन जाएगी लेकिन ये केस किस तरफ जाएगा? जी राय साहब, ये मेरी पुलिस से जब बात हुई है तो पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी की कोई एप्लीकेशन नहीं आई। अगर कोई एप्लीकेशन आती है इसमें कोई हम तफ्तीश कर रहे हैं, अगर किसी किस्म का कोई इसमें कोई और मुलव्वस पाया जाता है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अब तो ये बताइएगा कि आपने जो वहां पर मौके पर जाके सारी रिपोर्टिंग की है, मसला क्या निकला है, प्रॉब्लम क्या था? घरेलू झगड़ा था, कोई शादी का मसला था, कोई कारोबार का मसला था, गुर्बत थी, क्या वजह सामने आई अभी तक? राय साहब, मुख्तलिफ राय सामने आ रही है कि एनी शाहिद का कहना है कि कुछ लोगों का कहना था कि ये जो रबीना है इसकी बेटी है, इसकी जो बीवी है उसकी शादी कहीं और करना चाहती थी, जिसकी वजह से इसको इख्तलाफ था बशीर अहमद को, और ये जो रोज रोज के घरेलू झगड़े से तंग आ गया था। और कुछ लोगों का ये कहना था कि ये गुर्बत की वजह से इन लोगों के घर हर वक्त झगड़ा लड़ाई झगड़ा। थैंक यू एसएम शहजाद, हमारे साथ कसूर से थे, मैं डिटेल से आगाह कर रहे थे। आमना मलिक साहिबा, अजीब मामला है, कहीं पर गुर्बत और पहले तो सरगोधा के पीर साहब थे साथ काउंसलर साहब थे जेलम से, लेकिन ये तो घर का मामला है, तो क्या कौन सी एजुकेशन हमें चाहिए कि घरों के मामले अफामो तहफीम से हल होते हैं, टॉर्चर से नहीं? देखिए आप सबसे पहले सारे मामलात को आप देख लें, हम कहाँ से शुरू हो के बात कर रहे हैं, मैं और आप और हम सब जो हैं अदम बर्दाश्त, एक ही चीज़ हर जगह नजर आ रही है, बर्दाश्त खत्म है हमारे माशरे में से, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, बहाल करना पड़ेगा। बर्दाश्त माशरे में जीने में आसानी देती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, पहले घर जहन्नुम बनेगा, फिर काम की जगह जहन्नुम बनेगी, फिर पूरा माशरा जहन्नुम बनेगा, फिर पूरा मुल्क जहन्नुम बनेगा। इस वक्त जो कहानियां बना चुके हैं इसके बाद यही है कि हम पाकिस्तानी बल्कि दुनिया को जहन्नुम बना दी। देखिए लिटरेसी रेट के साथ साथ अब लोगों को और भी तो मसाइल हैं, माशी मसाइल कहाँ जाएंगे, महंगाई कहाँ हाथ लगा रही है, लोग अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर पाते। अगर उसने ये सोचा होगा मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ नहीं करना चाहता वहां करना, लेकिन उसके माइंड में ये भी होगा करूंगा कैसे। बिल्कुल, हर कोई तो हाथ फैलाने को अच्छा नहीं समझता ना, कुछ लोग तो फैला लेते हैं। हमें इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा महंगाई कहाँ सातवें आसमान पे हाथ लगा रही है हमारे माशे के अंदर से। जो आम गरीब आदमी है उसके लिए दो वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, फल गोश्त और सब्जियां तो बहुत दूर की बात है, सूखी रोटी भी शायद उनको नसीब नहीं है। तो इस वक्त तो इस तरफ तो किसी का भी ध्यान नहीं है, कहीं पे बड़ी बड़ी दावतें चलती हैं, कहीं से बाहर से लोग जब आते हैं तो शिकार के लिए चले जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए जाते हैं, और अपने मुल्क के अंदर रहते हुए लोगों को, मेरा ख्याल है कि सरकारी मुलाजिम की आप तनख्वाह देख लें, किसी के भी उनके बच्चे भी बिल्कुल पढ़ रहे हैं। आमना मलिक साहब का तो ये कहना है कि अदम बर्दाश्त सबसे बड़ी वजह है, जो हमारे करंट स्टोरीज जो हमने आज डिस्कस की है इन सारे क्राइम्स के पीछे अदम बर्दाश्त, गुर्बत और उसमें काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर जा गिरती है, आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल बनती ही है अगर हम कलेक्टिवली देखें, मगर फिर भी साकिब इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारी अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ को हम बड़े आसान, ये हमारा एक कलेक्टिव रवैया है कि ये काम नहीं हुआ उसकी वजह से नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ उसने करने नहीं दिया, यानी ब्लेम गेम हमारा एक बिहेवियर, एक जनरल इस कॉम का बिहेवियर है कि जी हमने उसको जिम्मेदार ठहराया, उसको जिम्मेदार ठहराया।
तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते बेसिकली। ठीक है रिसोर्सेज कम हैं, इस मुल्क के मौशी हालात कम हैं, मगर कोई एक बंदा तो नहीं सफ़र कर रहा ना, ऊपर से नीचे तक सब सफ़र कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने हिस्से का जो है वो तमान पे कर रहा है इस मुल्क में रहने का, मगर हर कोई उठ के ख़ुदकुशी नहीं कर रहा, हर कोई उठ के जो है अपनी बीवी या बच्चे को नहीं मार रहा। इट मे बी कि बहुत सारी और वजूहत यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। हाँ ड्रग अब्यूज भी तो हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, हमें मुझे नहीं पता जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने क्या एक्चुअली जो डिगअप की इन्फॉर्मेशन वो यही है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान है अगर घर पे कोई एक आध मसला हो गया उसको इस तरह लेबल कर दिया जाए कि बेटी अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी तो बाप ने ये कर दिया, मगर अल्टीमेटली उसने खुद भी तो खुद खुदकुशी। अच्छा यहाँ पर जो आपने इशू रेज किया है, क्या हमारा मजहब इन तमाम चीजों की इजाजत देता है? हमारा मजहब खुद कहता है कि आप पसंद की शादी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने कौन ये बैरियर कहाँ से क्रिएट किए हैं, कौन सा मजहब है जिसको हम लेकर आगे चलना चाह रहे हैं? मैं तो बहुत सख्त खिलाफ खुद हूँ इस चीज़ के कि जी मज़हब को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, मगर अगर हम थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री उठा के देखें ना तो यही कोई 60-70 साल के अराउंड ही हमारी हिस्ट्री है ना पाकिस्तान बनने की, उससे थोड़ा सा पहले हमारे फोर फादर्स जो थे वो हिंदू थे, हमने कलमा पढ़ के टैग जरूर लगा लिया कि हम मुसलमान हो गए, मगर ज़हनियत आज भी हिंदू वाली है। लेकिन हिंदू वाली ज़हनियत की बात करते हैं, पसंद की शादी की इजाजत तो exactly, में भी है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे क्योंकि बेटी के लिए इस तरह की बात करना कि मैं अपनी पसंद की शादी करूंगी एक बहुत बड़ा अलमिया था। चलिए थैंक यू वेरी मच आमना मलिक साहब, सामाजिक कारकुन डॉक्टर तारा रुबाब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी। नासिन आज हमने जो स्टोरीज डिस्कस की सरगोधा वाली डिस्कस की, उसके बाद जेहलम लेके गए आपको जहाँ पर काउंसलर साहब के तशद्दुद की स्टोरी, और उसके बाद फाइनली कसूर की स्टोरी। इन तमाम स्टोरीज में अगर एक चीज़ देखी जाए, जैसा कि आमना मलिक साहबा ने फरमाया कि अदम बर्दाश्त जो है हमारे माशरे में यूँ फैलता जा रहा है, यूँ टेक ओवर करता जा रहा है हमें, कि जहाँ टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए वहाँ ये माइनस में जाता जा रहा है। एज अ नेशन एज अ कौम हमें चाहिए कि टॉलरेंस लेवल को बढ़ाएँ, अदम बर्दाश्त को कम करते जाएँ करते जाएँ, अगर छोटे मोटे मसाइल भी हैं तो उनको अफाम व तहफीम से हल करने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान राय साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।